तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। और आप देख रहे हैं एस एडिट्स, तो इस स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल और आपके यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइज, आज की वीडियो में हम इस तरीके की एडिटिंग करने वाले हैं, गोस्ट राइडर वाली। तो एक वीडियो को पूरा देखना। गाइज, हम आ चुके हैं अपने बैकग्राउंड के पास। तो गाइज, हम इस बैकग्राउंड को ओपन करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जो एडिटिंग का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो गाइज, हम इसे पिक्सआर्ट में ओपन कर लेते हैं। गाइज, इसे पिक्सआर्ट में ओपन कर लिए। गाइज, यहाँ पिक्सआर्ट में इसे भेज देते हैं। एंड गाइज, पिक्सआर्ट में चला गया है हमारा फोटो, एंड लोड हो रहा है। गाइज, यहाँ पिक्सआर्ट ओपन हो चुका है, एंड इसमें हमारा बैकग्राउंड भी आ चुका है। तो गाइज, हमें क्या करना है, गाइज यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे दो तीन, मतलब जितनी PNG है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो गाइज, इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर ही लेना। तो गाइज, आपको क्या करना है, गाइज यहाँ पे आपको एक बाइक का PNG है, इसे यहाँ लगा देना है इस जगह पर। एक इरेजर पे जाना है आपको, इरेजर में आपको हार्डनेस फुल रखनी है। एंड गाइज, ये जो है ना वाला, सॉरी गाइज, ये इधर भी आ गया PNG, मतलब ये इसको आपको इरेज कर देना है यहाँ से, इसको कुछ काम नहीं है। ओके गाइज, इसे आपको यहाँ से इरेज कर देना है। ओके, और गाइज इसे थोड़ा सा यहाँ रखेंगे नीचे की तरफ इस तरह से। ओके गाइज, एंड गाइज आपको आ जाना है, दोबारा आ जाना है ऐड फोटो पर। एंड दोबारा गाइज, ये वाला PNG है बाइक का, इसको भी आपको यहीं ले लेना है। तो गाइज, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइज, आपको इसे भी इस जगह पर लगा देना है। ओके गाइज, एंड गाइज मैंने अपने मॉडल का PNG पहले ही निकाल के रखा है। तो गाइज, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। तो गाइज, ऐड फोटो पर जाएंगे। तो गाइज, ऐड फोटो पर जा रहे हैं। तो गाइज, ऐड फोटो में हम अपना PNG ले लेते हैं यहाँ पे, मॉडल का PNG को गाइज इस जगह पर हम खड़ा कर देते हैं, मॉडल के PNG को। ओके गाइज, सॉरी इसके नीचे आ गया थोड़ा सा, वही। तो गाइज, आपको क्या करना है, गाइज इधर रखना है थोड़ा सा साइड में। ओके गाइज, एंड यहाँ से आपको डन करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है। एंड गाइज, यहाँ से अब आपको क्या करना है, ये क्या हो गया, सॉरी गाइज, यहाँ से आपको ऐड फोटो पर जाना है दोबारा। एंड यहाँ से आपको कुछ PNGs हैं, उन्हें आपको ऐड करना है। इसे ऐड करते हैं यहाँ पर, जी ब्लाइंड पे जाके इसे स्क्रीन करना है। ओके गाइज, एंड इरेजर पे जाना है, ये जो वाइट वाइट है ना गाइज, इसको आपको इरेज करना है। गाइज, इस जगह पर नीचे की तरफ लगाना है आपको। ओके गाइज, एंड ऐड फोटो पर आना है दोबारा। ऐड फोटो पर आना है दोबारा, और गाइज आपको ये वाला PNG ले लेना है। इस PNG को भी आप ब्लाइंड पे जाके आपको स्क्रीन करना है। एंड गाइज, इसे इस जगह पर लगा देना, ऊपर की तरफ इस जगह पर। ओके गाइज, एंड ऐड फोटो पर दोबारा आना है आपको। गाइज, ये वाला PNG ले लेना है। वाले को छोटा करके हम थोड़ा सा इधर लगाते हैं इधर। एंड ये वाला PNG को आपको ब्लाइंड करके स्क्रीन करना है, ब्लाइंड पे जाके आपको इसके स्क्रीन कर देना है। ओके गाइस, स्क्रीन करना है आपको, गाइस इधर लगा देना है इस जगह पर। एंड इरेजर पे आना है आपको, इरेजर की हार्डनेस फुल रखनी है। एंड गाइस, इसके जो शर्ट पे भाग आ रहा है ना, शर्ट पे जो भाग आ रहा है उसे आपको इरेज करना है।
ओके गाइस, जो गाइस शर्ट पे जो हिस्सा आ रहा था ना गाइस, हमें उसे इरेज करना है। ओके गाइस, एंड आपको अब ऐड फोटो पर दोबारा आना है। ऐड फोटो पर आएंगे आप, ऐड फोटो में आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ से आप डाउनलोड में चलते हैं, अपने डाउनलोड में थोड़े से पीएनजीज हैं फायर के, उन्हें ले आते हैं। गाइस ये फायर का पीएनजी है, इससे आपको ब्लाइंड पे जाना है, स्क्रीन करना है एंड छोटा करके गाइस आपको गाइस आपको इन्हें हाथों पर लगाना है, जैसे गाइस हमारे हाथों में से आग निकल रही है। ओके गाइस, एंड इरेजर पे जाना है। पहले गाइस की ओपेसिटी हम कम रखते हैं, ओ सॉरी गाइस, कोई नहीं, चलो। एंड यहाँ से हम दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे दोबारा, डाउनलोड में आएंगे, डाउनलोड में दोबारा गाइस यही वाला पीएनजी आपको ऐड लेना है, दो बार ले लेना है आपको। दोबारा आपको पीएनजी ले लेना है गाइस, ये वाला गाइस ये आ चुका है पीएनजी हमारे पास। तो गाइस एक पीएनजी को हम यहाँ रखेंगे एंड दूसरे को हम ब्लाइंड पे जाके स्क्रीन करेंगे। गाइस स्क्रीन करके आपको इधर छोटा करना है एंड यहाँ से आपको इसे बड़ा करना है इधर, आपको उनके अपने हाथों पर लगा देना है। ओके गाइस, एंड वो जो पीएनजी था उसको भी हम दोबारा ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में आएंगे गाइस, यहाँ पे हम एक उसका स्पार्कल का पीएनजी ले लेते हैं इधर ऐसे। एंड गाइस से यहाँ से कर देना है आपको स्क्रीन, एंड गाइस से नीचे की तरफ को आपको सेट करना है, स्पार्कल को सेट कर देना है आपको एंड यहाँ से डन करना है। एक गाइस हमारे पे गोस्ट राइडर का पीएनजी, तो गाइस मैं बता दूँ गोस्ट राइडर्स का पीएनजी आपको नियॉन में मिलेगा, तो ज़्यादा आपको मतलब अगर अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बता देना। एंड गाइस हम यहाँ से आ जाते हैं अपने गोस्ट राइडर के इस पर टेक्स्ट पीएनजी पर। तो गाइस टेक्स्ट पीएनजी जो है ना गाइस, ये उसमें पीएनजी में नहीं है, तो गाइस हम इसे स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीन करेंगे गोस्ट राइडर, यहाँ से आपको इसे लगा देना है। तो गाइस ये थोड़ा सा बढ़िया करके चमकेगा। और गाइस आपको यहाँ पे एक फ़ोटो में गोस्ट राइडर का पीएनजी एक और है हमारे पास, आपको उसे भी ऐड करना है, तो उसका भी मैं आपको लिंक बता दूँगा जगह कि आपको कहाँ पे सेट करना है उसे। तो गाइस आपको इस जगह पर इसे लगा देना, यहाँ पर इसे ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन करना है, स्क्रीन करके इसे ऊपर की तरफ लगा देना है गोस्ट राइडर। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ से आपको इरेजर पे जाना है, नीचे वाले उसको पीएनजी को चूज़ करके आपको गाइस ये मार्वल का मार्वल का जो टैग दिख रहा है ना गाइस, इसको आपको इरेज कर लेना है एंड गाइस इसे यहाँ से कर देना है डन। तो गाइस हमारा पिक्सआर्ट का जो काम है ना गाइस, वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो गाइस अब हम चलते हैं एडोबी लाइटरूम के अंदर, जो गाइस हमें लाइट काम करना होगा ना गाइस, अब वो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर करना पड़ेगा, जो हम बड़ा करके करेंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हम यहाँ से ड्रॉ टूल में जाते हैं, इसे सेव कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर बोरिंग हो तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं, मुझे पता है। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन। तो गाइस हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो गाइस चलिए चलते हैं अपना जादू का काम करने। तो गाइस पहले लाइट वाले ऑप्शन पर आना है आपको, लाइट वाले का एक्सपोजर थोड़ा सा ही कम करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कम करना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी नहीं छेड़ना, हाईलाइट्स को कम करना है थोड़ा, शेडो को बढ़ाना है, वाइट्स को बढ़ाना है, ब्लैक्स को बढ़ाना है। ओके, एंड अब आपको जाना है टेम्परेचर टूल में, तो आपका टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा येलो टोन देनी है, इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी कम रखेंगे हम,
ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वाइब्रेंस को बनाएंगे एंड मिक्स में आएंगे। मिक्स में ग्रीन की ह्यू को कम, सैचुरेशन कम, मतलब बाकी जो इनके जो है कलर है ना जो इसमें है नहीं उसकी आपको सैचुरेशन कम कर देनी है एकदम लो। ओके गाइज, एंड अब आपको आ जाना है क्लैरिटी टूल में। इसकी क्लैरिटी इंक्रीज करनी है, विग्नेट डालना है फोटो के अंदर एंड ओके। एंड अब आपको आ जाना है शार्पनिंग के टूल में। शार्पनिंग में आपको इसकी शार्पनिंग इंक्रीज करनी है, 50 शार्पनिंग कर दें आप, ज़्यादा नहीं 50। ओके, एंड कलर्स नॉइज रिडक्शन को आपको बढ़ाना है, ज़्यादा नॉइज रिडक्शन को आपको ज़्यादा बढ़ा देना है एंड स्मूथनेस को भी आपको बढ़ाना है। ओके गाइज, तो गाइज हम यहाँ पर अपने, गाइज हमने यहाँ पे एकदम गाइज फुल HD फोटो हो चुकी है हमारी। एंड अब आपको आना है सिलेक्टेड टूल्स के अंदर। सिलेक्टेड टूल्स में आपको लाइट, मतलब यहाँ सिलेक्ट करना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है आपको। ओके गाइज, कॉर्नर पे आपको इधर नीचे एंड ऊपर की तरफ मारना है एंड यहाँ से आपको इसका कंट्रास्ट हाई कर देना है एंड एक्सपोजर थोड़ा सा ही कम और यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना है ऊपर की साइड एंड यहाँ से ओके कर देना है। ओके, तो गाइस यहाँ से हमने अभी अपना कंट्रास्ट नहीं बढ़ाया था ना, तो कंट्रास्ट को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। गाइस हमारी फ़ोटो हो चुकी है गाइस बिल्कुल ही फायर एंड इतनी बढ़िया फ़ोटो हो चुकी है ना गाइस, तो कि आप सोच नहीं सकते। तो गाइस हमारा घोस्ट राइडर भी एकदम चमक रहा है एंड ऊपर वाला घोस्ट राइडर भी चमक रहा है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और गाइस अपने दोस्तों के साथ वीडियो के साथ वीडियो को शेयर करना और अभी तक आपने नीचे कमेंट नहीं किया कि वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।